वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि आप लोग कैसे अपने उज्जवल स्मॉल फाइनेंस बैंक के अकाउंट का बैलेंस पता कर सकते हो, चेक कर सकते हो सिर्फ एक मिस कॉल करके। सो इसको जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। सो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। आप दोस्तों मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आप लोग कैसे अपने उज्जीवन बैंक के बैलेंस को चेक कर सकते हो। सो इसको करने के लिए आप लोगों को कोई भी मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप लोगों के पास इंटरनेट नहीं भी है तो भी आप लोग इस मेथड से अपने उज्जीवन बैंक के बैलेंस का पता कर सकते हो। तो सिंपल आप लोगों को एक नंबर पर मिस कॉल करेंगे, उसी पर आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, आप लोगों का बैलेंस पता चल जाएगा। सो इसको करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को अपने डायलर की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आप लोगों को यहां पर एक नंबर टाइप करना है, जो कि अभी नंबर टाइप था तो यहां पर अगेन आप लोगों को बता दे रहा हूं। तो यहां पर आप लोगों को नंबर टाइप करना है 9243012121। ये आप लोगों को ये जो नंबर दिख रहा है यही नंबर आप लोगों को टाइप कर लेना है अपने डायलर में। और आप लोगों को जो भी मोबाइल नंबर आपका बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड है उसी मोबाइल नंबर से आप लोगों को कॉल पर क्लिक कर देना है। आप दोस्तों इसी नंबर पर कॉल लगने लग जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों का कॉल लगेगा नहीं कि गाइस आप लोग देख पा रहे हैं कि ये मिस कॉल चले गया है और कॉल ऑटोमेटिक कट हो चुकी है। तो सिंपल जैसे ही ये कॉल कट हो जाती है सो आप लोगों को यहाँ पर बैक करेंगे। अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी मैसेज की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि एक उज्जीवन बैंक की तरफ से एक SMS आ चुका है, मैसेज आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपके अकाउंट में जितना भी बैलेंस अवेलेबल रहेगा वो यहाँ पर आप लोगों को दिखा दिया जाता है SMS के थ्रू। सो गाइस ऐसे ही आप लोग बहुत ही आसानी से घर बैठे हुए विदाउट इंटरनेट आप लोग अपने उज्जीवन बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हो। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फिर मिलेंगे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।